हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो मैं एनिमेशन आपको सिखाने जा रहा हूं, एक बार वो एनिमेशन आप देखिए। अरे अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इसने कल रात को सपना देखा होगा। तो गाइस, इसमें मैं आपको करेक्टर एनिमेशन सिखाऊंगा, किस तरह ये करेक्टर एनिमेशन हुआ। ऑलरेडी मैं करेक्टर एनिमेशन में पहले भी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है, आप नए हो मेरे चैनल पे, तो आप पुराने वीडियो देखिए। बहुत सारा करेक्टर एनिमेशन पे वीडियो बना चुका हूं। इसमें मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि फेस का एक्टिंग कैसे हुआ और हाथ का एक्टिंग कैसे हुआ है। खाली ये प्रैक्टिस के लिए, और इसका करेक्टर मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्टर मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, आप वहां से डाउनलोड करके ये एक्टिंग को वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, और कंपाइलिंग करने का भी यहां पे कोशिश करूंगा अगर टाइम बचा तो। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें, कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइज, लर्न एनिमेशन हिंदी का वेबसाइट जो है www.jiva.edu है, यहाँ से आप ऑनलाइन क्लासेस भी बाय कर सकते हैं, डेटा भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नो कॉपीराइट बैकग्राउंड और करेक्टर आपको मिलता है। जो भी आपको डेटा लेना है www.jiva.edu.com की वेबसाइट से ही लेना है। जब आप यहाँ से लेते हो तो हमारे पास आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आता है। गाइज, बाकी यहाँ पे लर्न एनिमेशन में एक एक करके सारे वीडियो आ रहे, जो भी पिछले वीडियो है सब यहाँ पे आएंगे, और आने वाले टाइम पे हम और भी मजेदार कंटेंट लाएंगे। तो चलिए गाइज, चलते अपने टॉपिक की तरफ। करेक्टर एनिमेशन कैसे हुआ ये पूरा करेक्टर एनिमेशन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉपी करना पड़ेगा वॉइस को मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे जाकर मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं पेस्ट बाद में करूंगा। वॉइस को आप सीधा बाहर से भी ला सकते हो। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर, मेरे आपको पता है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और सीधा मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाके इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी से लाइब्रेरी में आ जाएगा। लाइब्रेरी से हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो सीधा वॉइस ओवर यहाँ पे आ जाता है। तो आपके पास ये ग्राफिक आता है ऐसा, ये ग्राफिक ग्राफिक डिजाइनर बनाते हैं, आप किसी भी ग्राफिक डिजाइनर से इसको क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर चला गया मैं, इसके बाद यहाँ पे देखोगे एक्चुअली मैं इसमें ऑलरेडी वॉइस लगा यहाँ पे, तो मैं वॉइस को यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, यहाँ पे वॉइस ओवर लगा यहाँ पे। अरे अरे नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, पीछे वाले वॉइस ओवर को कॉपी करेंगे, जो पीछे वाला वॉइस ओवर है, सॉरी पीछे वाला जो एक्टिंग है उसको कॉपी करेंगे। आप अपना डायलॉग के अकॉर्डिंग अपने एक्टिंग को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से सिखाता हूँ कि सिंपल तरीके से आप एनिमेशन कैसे कर सको, और अच्छा एनिमेशन अपने यूट्यूब के लिए या फिर अपना जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे आपको वॉक एनिमेशन देंगे। स्टार्टिंग में वॉक करके दिखाओ उस टाइप का एनिमेशन कैसे कर सकते हो। वॉक पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ करेक्टर एनिमेशन पे, ठीक है। तो अभी क्या करूंगा, मैं सबसे पहले पीछे वाले एक्टिंग को देखूंगा, पीछे वाले एक्टिंग को फॉलो करूंगा, क्योंकि मुझे ये वाला एक्टिंग फॉलो करना है। आप अपने अकॉर्डिंग एक्टिंग बना सकते हैं, उसके बाद अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये करेक्टर झुकता है, फिर आगे आता है और नहीं नहीं बोलता, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आना, यहाँ से बात करना चालू करता है। अरे नहीं नहीं, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इतने में जाके यहाँ पे F6 कर देना, इसके आईज को यहाँ पे बंद कर देना। यहाँ पे आईज पहले ऑलरेडी बंद ही है, तो मुझे जहाँ पे आईज बंद होती है वहाँ पे जाके मुझे पेस्ट कर देना, ये की लगा देना F6। तो यहाँ पे भी F6 किया और राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद इज आउट कर दिया, और इज आउट के बाद 3 के साथ मैं इज इन करता हूँ। सेम वही पुरानी बात है जैसे मैं पहले करता था, बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये नहीं कर रहा है तो फेस के अंदर भी काम होगा थोड़ा, हाथ के अंदर नॉर्मली प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे हर बार मैं करेक्टर एडमिशन को लाता रहता हूँ, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने इतना। ये करने के बाद आपको देखो जो आई ब्लिंकिंग हुआ ना, ये सब पहले हो रखा है। अगर आपने आई ब्लिंकिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो आई ब्लिंकिंग वाला वीडियो देखे, लिपसिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो लिपसिंग वाला वीडियो देखो, कैसे लिपसिंग करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं लिपसिंग को। तो ये कर दिया मैंने, और इसके बाद मैं हमेशा की तरह मैं यही करूंगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आया, इसको नीचे रखा थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा नीचे क्योर किया, और हेड को थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे एरो बटन से नीचे करके थोड़ा सा आप रोटेट कर सकते हो, और हाथ को थोड़ा सा मैं आगे क्योर करता हूँ, मामूली से आगे क्योर किया इस तरह मैंने आगे की ओर किया ऐसा, ये नीचे आया, फिर इसके बाद ये ऊपर की ओर, ये थोड़ा नीचे, फिर आगे की ओर। तो ये जब नीचे आया तो देखो पिछले वाला एक्टिंग में यहाँ पे देखोगे आप कैसे हुआ, ये नीचे आता है और इसके बाद वो आगे होता है ऐसा, ये आगे इस तरह आगे होता है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये नीचे आया ऐसा और इसके बाद ये आगे आएगा, तो सबको सिलेक्ट किया, पॉइंट को यहाँ पे रखा, और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दिया ऐसा, ठीक है, आगे कर दिया, और थोड़ा सा मैं इसको ऊपर उठा सकता हूँ ऑल्ट के साथ, और इस तरह मैं इसको पीछे कर सकता हूँ ऐसा, ठीक है। जब आप लाइव में आओगे ना तो लाइव में आपको बिल्कुल पता लग जाएगा, आराम से आपको लाइव में पता लग जाएगा। आप ज्वाइन वहाँ पे मेंबरशिप ले लीजिए, आपको पता लग जाएगा। अब मैं आता हूँ अपने वाले टॉपिक यही है कि यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा नीचे किया हूँ, और इसके बाद थोड़ा आगे किया हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस हाथ को थोड़ा सा अभी भी आगे रखना ऐसा, नॉर्मल रखा, और इस हाथ को आगे क्योर करना, नॉर्मल इसे आगे किया और थोड़ा सा ऊपर रखा ताकि टूटे ना। बीच वाला की याद रखना, बीच वाला की कहाँ पे, 16 पे है, और यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे की लगाया, इस पे आया, इस पे की लगाया F6,
और यहाँ पे F6 राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन दिया और क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे इज आउट किया। तो ये हो गया, यहाँ पे इतना मैंने ऊपर किया, यहाँ पे हाथ को ये इतना गया और इसके बाद यहाँ पे आया और ये इतना करने के बाद ऐसा हाथ देखो ऊपर की ओर आया। अभी क्या है यहाँ पे एक नया चीज, हम यहाँ पे मना भी करेंगे जैसे ये बोलता है ना यहाँ पे, अरे नहीं नहीं अरे अरे नहीं 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 ऐसा है ना। पहले तो देखो आपको एक बात याद रखना कि आपको जब बॉडी पे काम कर दिया फेस पे भी काम करना, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले पिछले वाला की मुझे याद रखना 10 पे और अगला वाला की मुझे याद रखना 23 पे। तो इसके अंदर चला गया, पहला की मैं यहाँ पे लगाता हूँ और पिछला की मैं 10 पे लगाता हूँ, 10 पे लगा दिया और अगला की मैंने 23 पे लगा दिया। जितना मैंने बाहर लगाया था उतना मैंने यहाँ पे सारा की लगा दिया और यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से सारा की लेता हूँ, क्लासिक ट्विन दे दिया, क्लासिक ट्विन देने के बाद इज आउट कर दिया, इज आउट करने के बाद यहाँ पे आया, सबको इज इन कर दिया, यहाँ पे इज इन कर दिया, इज इन कर दिया और इसको यहाँ पे आया, फेस को पकड़ा और यहाँ पे आया इतना और इस तरह इसको नीचे की ओर किया, इस तरह नीचे की ओर किया और कान को पकड़ा, दोनों कान को पकड़ा, थोड़ा सा ऊपर की ओर किया, तो ये हो गया नीचे। और इसके बाद तो नहीं नहीं बोलता है, तो नहीं नहीं में क्या करेंगे आप, यहाँ पे F6 करोगे क्योंकि मुझे पहले से पता है, तो मैंने यहाँ पे F6 कर दिया और यहाँ पे जाके F6 कर दिया। ये थोड़ा सा एक्टिंग है, छोटा मोटा एक्टिंग है, तो नॉर्मल आप बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, कोई बड़ी बात नहीं, बार बार वही काम होता है, तभी कहता हूँ एक बार आप सीख जाओगे तो आराम इजिली आप अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और थोड़ा सा इसको इस तरफ रोटेट करता हूँ, मामूली से इस तरफ किया और कान को मैंने थोड़ा सा इस तरफ इसको ले लिया थोड़ा सा, और आप जो बाल है बाल को भी आप कर सकते हो थोड़ा सा, मैंने बाल को बाहर की ओर निकाला। अदरवाइज गाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्यू प्रेस बटन प्रेस कीजिए और ये आ जाता है, थोड़ा सा बाल को इस तरफ किया और यहाँ से बाल को इस तरफ कर दिया, मामूली से इसको मैं नीचे की ओर करता हूँ, तो क्या होता है ये नहीं नहीं बोल रहा है ऐसा, ये करेगा नहीं नहीं। तो अगर आपको लगता है थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए तो यहाँ पे आया और मैंने फिर से इन सबको पकड़ा जो ये सारा फेस के अंदर है, इन सबको पकड़ दिया और इस तरह किया। अब आप ये मत बोलना मुझे ये प्रैक्टिस के लिए चाहिए, खाली मैं बता रहा हूँ आपके पास कोई भी करेक्टर रहेगा उससे कीजिए, अगर आप बेतुके से कमेंट करेंगे तो सीधा ब्लॉक करूंगा मैं, तो इस तरह रहता, ठीक है। तो चलिए गाइस इतना कर दिया मैंने, मैं कुछ लोगों के लिए बता रहा हूँ सबके लिए नहीं बता रहा हूँ, तो इतना कर दिया मना। और इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से ऊपर उठाया ऑल्ट के साथ आगे रखा इस तरह और इस तरह और आगे रखा ऐसा, ये रख लिया और आगे, और मैंने यहाँ पे जाके सिलेक्ट ऑल फ्रेम कर दिया और यहाँ पे जाके सिंक्रोनाइज कर दिया इस तरह, तो मना कर रहा है इस तरह। तो अभी आप आएंगे हम तो बाहर से देखेंगे किस तरह बात, अरे अरे नहीं नहीं ऐसा, ठीक है, अरे अरे नहीं नहीं। तो इस तरह आपको करना है, ये छोटी सी चीज है और कोई बड़ी बात नहीं, बच्चा भी ये काम कर सकता है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है बिना प्रैक्टिस के। अरे अरे नहीं नहीं हो गया इतना, अरे अरे नहीं नहीं अरे नहीं नहीं। तो ये हो गया, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो पीछे आता हूँ, मैं एक्चुअली मैं ये वाला एक्टिंग को फॉलो कर रहा हूँ, ये मेरा पुराना काम है, आप कोई भी एक्टिंग कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मेरा वाला एक्टिंग आपको करो, मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी डायलॉग को सुनने के बाद आपको एक्टिंग करना होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये एक्टिंग के बाद करेक्टर में एडमिशन के बाद कंपाइलिंग करना है तो ऑलरेडी बहुत सारा कंपाइलिंग वीडियो बता चुका हूँ, और मैं हमेशा बताता हूँ कंपाइलिंग पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि वही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है बाद में। तो ये देखो इसके बाद बोलते हैं यहाँ से, अरे नहीं नहीं ये कर दिया, फिर ये आगे क्यों थोड़ा सा आगे क्यों हाथ लाता है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे आते हैं नहीं नहीं ऐसा बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हाथ आगे लाता, तो यहाँ पे मैंने F6 कर देना, F6 करने के बाद यहाँ पे आया F6 कर दिया, तो गाइस यहाँ पे F6 कर दिया ऐसा। देखो कोई भी चीज़ कर रहा हूँ ना, नॉर्मली पुरानी चीज़ एक तरफ से रिपीट हो रही है, इसलिए कहता हूँ गाइस आप प्रॉपर एक करेक्टर एनिमेशन सीखिए, उसके बाद सीधा कंपाइलिंग उतरिए। तो ये कर दिया और इसके बाद मुझे क्या करना है, हाथ को आगे लाना है, यहाँ पे आया सीधा इसको हाथ को आगे किया, सीधा इसको इज आउट कर दिया, वही पुरानी बात इज आउट बोल के मैं भी थक चुका हूँ, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने, वेट इसको मैंने ऐसा किया यहाँ पे और सीधा मैंने यहाँ पे सबको सेलेक्ट किया, अपर बॉडी को सिलेक्ट करना हमेशा, ठीक है, अपर बॉडी को सिलेक्ट करना। अगर आप नए कोई मतलब यो सब्सक्राइबर जो मेरे अभी जुड़े, आपको लगता है ये क्या समझा रहा है, आपको पुराने वीडियो देखना चाहिए, मुझे उम्मीद है आप पुराने वीडियो एक बार देखोगे आपको समझ आ जाएगा ये बंदा सिखा क्या रहा है, एनिमेटर बनाना सिखा रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ, जुगाड़ बता रहा हूँ, बाकी मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैं अपना 1200 स्टोरी में काम कर चुका हूँ, एपिसोड में दूसरे में भी काम भी कर चुका हूँ, ऑलरेडी मैं आपको बताया जब चैनल बड़ा होगा तो 3D लेवल का भी काम आ जाएगा, ठीक है, पर चैनल को बड़ा करना है। ये हो गया ऊपर, थोड़ा सा ये आगे पीछे की ओर आया और हेड को मैं थोड़ा सा आगे की ओर रोटेट किया और हाथ को थोड़ा सा ऊपर की ओर लाया और यहाँ पे इस हाथ को थोड़ा सा पीछे की ओर किया ऐसा। ये सब रिग का पार्ट रहता है, रिग अगर नहीं आया तो रिग वाला वीडियो जरूर देखना, पीछे 45 पे 45 पे। तो मैंने यहाँ पे आया, अंदर चला गया, किसके इस वाले हाथ के अंदर चला गया, यहाँ पे F6 कर दिया,
अगर आप देखोगे सारी लेयर डिवाइड, अगर आप नए होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये लेयर अपने आप बनी है, अपने आप ने ये पहले से सेट किया गया प्रॉपर तरीके से सेट किया, रिग का पार्ट है, रिग वाला वीडियो देखिए जरूर, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे किया और मैं इसके अंदर ज्यादा का अंदर नहीं जाऊंगा, तो इतना सा हुआ, ये ऐसा ऐसी बात कर रहा है, ठीक है, इतना सा बात कर रहा है, आप एक बार सुनोगे तो इस तरह की बात, ऐसी कोई बात नहीं, बात ऐसी कोई बात नहीं, तो ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप फेस के साथ काम कर सकते हो, यहाँ पे देखोगे आईब्रो के साथ पहले से काम हो रहा है सारा, ये अंदर लिपसिंग के आईब्रो यहाँ पे आईज के साथ कंट्रोल के साथ किया हूँ मैं, कैसे किया हूँ ऑलरेडी आप आई ब्लिंकिंग वाला वीडियो देखिए आपको समझ आ जाएगा, और अदर करेक्टर देखिए वहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगा कि मैंने कैसे किया, ठीक है। यहाँ पे अगर की लग जाती है तो मैं इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ पे आता हूँ तो फेस को थोड़ा सा मैं कैसे, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको वो थोड़ा सा मूव कर सकता हूँ। अदरवाइज गाइज आप थोड़ा सा और अच्छा लाने के लिए फेस के अंदर काम कर सकते हो, पीछे 45 पे जैसे ये नीचे ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे झुकता है, तो मैं क्या करता हूँ फेस को थोड़ा सा ऊपर उठा सकता है, नीचे उठा सकता हूँ, तो यहाँ पे आया सीधा डबल क्लिक किया और अंदर जाके यहाँ पे की लगा दिया F6, और पीछे कितने था 45 पे 45 पे F6, और राइट क्लिक किया, क्लास बिटवीन दिया और सीधा इज़आउट दिया, इज़आउट करके यहाँ पे रख लिया ऐसा, ठीक है, ये कर दिया ऐसा, और यहाँ पे आया और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, और थोड़ा सा इसको मैं नीचे को लाता हूँ ऐसा, और आईज को थोड़ा सा ऊपर भी उठा सकता हूँ अपनी मर्जी से जैसा भी लाना है, और कान को थोड़ा सा ऊपर उठा सकता हूँ ऐसा, मामूली से उठा दो, ज़्यादा मत उठाना ताकि अच्छा लगे ऐसा, और थोड़ा सा उसके बाद मूव भी कर सकते हैं फेस को, आप समझ रहे हो फेस के अंदर एक्टिंग कैसे करना। हम ना डिज्नी लेवल का नहीं सीख रहे, डिज्नी लेवल का मैं सिखा भी नहीं रहा हूँ आपको, नॉर्मल एनिमेशन सिखा रहा हूँ, बच्चा भी काम कर सकता है, पांचवी पास बच्चा अगर इसको सीखेगा ना 2-3 महीने या फिर 1-2 महीने तब भी वो आराम से इस टाइप का एनिमेशन कर सकता है, नॉर्मल सा एनिमेशन है गाइज, लेकिन जब आउटपुट आता है ना तो बहुत अच्छा आता है, आप देख सकते हो मेरे जो भी वीडियो कितने अच्छा आउटपुट आता है, बिल्कुल नॉर्मल एनिमेशन है, कोई आपको अगर सिखाता है इस तरह तो सीखे उनके पास जाके। बस यही कहूंगा कि जैसा कोई कहता है कि मेरे कोर्स को चोरी किया जा रहा है, तो कोई बात नहीं, चोरी करने दीजिए, इंजॉय करने दीजिए, बस इतना ही कहूंगा, किसी दिन मुझे पता लग गया तो बहुत बुरा पिटने वाला है फिर, है ना, तो ये हो गया, तो और इंटरनेट में सब कुछ पता लगता है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे करना, ठीक है, तो यहाँ पे आया और इसको सेलेक्ट किया, इसको इतना सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, ठीक है, ऐसा नीचे कर दिया, यहाँ पे देखोगे इस तरह ये थोड़ा सा नीचे हुआ, मूव करना, मतलब थोड़ा सा मूव करना है, आईज को पकड़ा, नोज को पकड़ा, लिप्स को पकड़ा, जो भी रहता है इन सबको पकड़ के यहाँ पे इसको कान को पकड़ा, थोड़ा सा ऊपर कर दिया, तो अभी देखोगे थोड़ा सा ऐसा मूवमेंट होगा ऊपर नीचे, ओके वेट ये पूरा यहाँ से हो नहीं रहा है, तो थोड़ा सा और करते थोड़ा नीचे, तो मैंने और थोड़ा नीचे किया, अभी देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे मूव होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा मूव करने के लिए हमने इसको नीचे किया और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया और ऐसा यहाँ पे आगे ला दिया और इसको और आगे ला दिया, तो ऐसा लाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद सॉरी और सिलेक्ट फ्रेम करने के बाद वेट कंट्रोल जेड किया, यहाँ पे सिलेक्ट और फ्रेम करने के बाद सिंक्रोनाइज कर देना, सिंक्रोनाइज करने के बाद बाहर आया, तो आप यहाँ पे देखो कि किस तरह हुआ है, ये इस तरह हुआ, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कोई बात नहीं है। अभी पीछे वाला एनिमेशन फॉलो करता हूँ, यहाँ पे देखोगे तो किस तरह ये यहाँ पे ये ऊपर की ओर हाथ ला रहा है, वापस ऊपर की ओर हाथ ला रहा है, तो हम भी यही करते हैं, ऊपर की ओर वापस हाथ लाते हैं, यहाँ से देखो यहाँ से बात करें, ऐसी कोई बात नहीं है, इसने कुछ ऐसा कुछ बोला होगा, ठीक है, मैं वॉइस ओवर को काट रहा हूँ ताकि कोई अगर कुछ इशू रहता है, क्योंकि और क्लाइंट के लिए काम हुआ, कोई वॉइस का कोई कॉपीराइट वगैरह इशू ना आए, तो इसलिए वॉइस को बंद कर रहा हूँ बार बार, आप बंद भी नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका रहता है मतलब करेक्टर रहता है आप कर सकते हो, वैसा मैं यहाँ पे करेक्टर शेयर नहीं कर रहा हूँ, बस प्रैक्टिस के लिए आपके साथ ये चीज़ें मतलब आपको बता रहा हूँ, इस तरह आप कर सकते हो अपने करेक्टर पर, ठीक है, हर बार कुछ अलग रहता है, अभी इसके साथ फेस के अंदर थोड़ा मतलब छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो हमेशा आपको दिखने को मिलती है कि सही है, ठीक है, इसके बाद इज आउट कर दिया, इज आउट करने के बाद यहाँ पे देखोगे मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट किया, बॉडी को अपर बॉडी को सिलेक्ट किया, वही पुरानी बात जैसे मैं पहले से कहता था, पुराने सब्सक्राइबर आपको पता होगा, फिर मैंने ऊपर उठाया थोड़ा सा ऐसा और हाथ को पकड़ा, और हाथ को पकड़ने के बाद इसको पीछे क्लिक किया, और ज़्यादा मतलब ज़्यादा कम कितना करना है वो आपको बाद में पता लग जाएगा, तो थोड़ा हाथ को मैंने इसको ऑपोजिट मतलब आगे की ओर लाया, और पिछला की मुझे याद रखना 88 पे है, और यहाँ पे आया इसके अंदर चला गया 88 पे, आगे पीछे चला गया 88 और 88 यहाँ है 88, ठीक है, यहाँ पे है, राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन दिया, क्लासिक ट्विन देने के बाद इज आउट किया, इज आउट करने के बाद यहाँ पे आया और इस हाथ को ऊपर की ओर इस तरह कर दिया ऐसा, ठीक है, इस तरह कर दिया, तो बोलेगा कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ बोलेगा यहाँ पे, तो इसके बाद आप यहाँ पे फेस पे भी काम कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली रखूंगा मैं, यहाँ पे देखोगे किस तरह बात कर रहा है, ऊपर की ओर हाथ किया, इसके बाद ये वापस यहाँ पे देखोगे ये पीछे से शो कर रहा है, मतलब ये बंदा बात कर रहा है, इसके बाद ये पीछे से हो रहा है, ये सब ना पूरा रिएक्शन है, सारे रिएक्शन को डाल दिया, तो इस तरह का काम करने के लिए अब देखो मैं इतना से काम करके छोड़ देता हूँ, चलो मैं इतना सा काम करके छोड़ देता हूँ, ये पूछे बोल रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ से अगर डायलॉग सुनो, ऐसी कोई बात नहीं, इसने कल रात को सपना देखा होगा, देखा होगा देखो ऐसा काम करने के लिए इतना सा काम कर लेना, आगे काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मैं एक्टिंग को यूज करूंगा, मतलब सॉरी
दूसरा एक्टिंग को यूज करूंगा, दूसरा कैमरा एंगल यूज करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इतना ही करूंगा। तो इतना करने के बाद मैंने ये मेरा एनिमेशन हो चुका है, यहाँ पे देखोगे इतना एनिमेशन मेरा हो चुका है यहाँ पे। ये यहाँ पे मैं कंपाइलिंग भी बता ही देता हूँ, ज्यादा वीडियो नहीं बना। ये बोल रहा है यहाँ पे कि नहीं नहीं यार ऐसा नहीं है कुछ, क्योंकि मैंने वॉइस ओवर नहीं लगाया ना, तो इतना हो चुका है। यहाँ पे मैं कंपाइलिंग करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसी को एक सिंबल बना दूंगा, ठीक है। इसी को मैंने एक सिंबल बना दिया क्योंकि मैं सीन के अंदर जाके काम करता हूँ। इसके अंदर चला गया, यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे F6 करके ये आगे क्योर हो गया ये इतना। तो यहाँ पे मैंने एक लेयर लिया, एक लेयर लेने के बाद अब मुझे क्या करना, मुझे एक बीजी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बीजी ले लेता हूँ, पहले मैं यहीं से डाटा उठा देता हूँ, ठीक है। तो आप अपना बीजी बनवा देना। तो ये एक बीजी बना है, तो मैंने इसी को कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने नीचे लाया इसको और इसको पेस्ट कर दिया, सारा पेस्ट कर दिया। अगर कभी कई बार ये प्रॉब्लम होता है, देखो यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा जबकि मैंने वैसे कॉपी किया हूँ, तो आपको सीन में आना है, बार आके आप करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। निचले वाला प्लस करोगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, आप शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकते हैं, कंट्रोल और एस के साथ भी छोटा कर सकते हैं स्केल। तो मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया और अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर लाना है। मैं कंपाइलिंग कर रहा हूँ, ये कंपाइलिंग कर रहा हूँ, इसको कंपाइलिंग बोलता हूँ। तो ठीक है, ये सब कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर रहे। अभी आपको क्या करना है, पीछे वाले से मुझे प्रॉपर दिखाना है, कितना दिखाना है, मैं यहाँ से देखता हूँ कि कितना है, ठीक है। यहाँ पे देखूंगा मैं कितना शो हो रहा है, ये यहाँ पे पेड़ शो हो रहा है, यहाँ पे इतना शो हो रहा है, तो मैं भी इतना ही शो करता हूँ। यहाँ पे मैं ये वाला पेड़ यहाँ पे इतना शो करता हूँ। थोड़ा सा मुझे इसको बड़ा करने की जरूरत है। मैंने कंट्रोल और टेस्ट किया और 105 कर दिया, अगर कुछ करना है ज़्यादा तो 120 कर दिया। 100 से ऊपर 20 होता है, ठीक है। 100 से ऊपर प्लस होता है, 100 के बाद आप प्लस कर सकते हो, 100 से नीचे माइनस कर सकते हो। जैसे कंट्रोल और टेस्ट करके अगर मैं 99 करता हूँ तो ये छोटा होता है, 100 से ऊपर करता हूँ तो प्लस होता है। तो मैंने नॉर्मली इतना कर दिया ऐसा, ठीक है, ये कर दिया। यहाँ से बात करना चालू करता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे इस वॉइस ओवर को उठाऊंगा, राइट क्लिक किया, आप ऐसा वॉइस ओवर को उठा सकते हैं। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं बाहर आता हूँ, ये सीन कंपाइलिंग कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात, तो ये सीन बन चुका है यहाँ पे। अरे कोई ऐसी कोई बात नहीं, इसने कल रात का सपना देखा होगा। कल रात कोई सपना देखा होगा, यहाँ पे मैं तुरंत एकदम से यहाँ पे शॉट बदल दूंगा। इसके बाद मैंने एक्टिंग किया भी नहीं, करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे रिएक्शन चाहिए। तो ऑलरेडी मेरे को रिएक्शन बनाने होंगे, तो वो भी नॉर्मल आप रिएक्शन बना सकते हो जैसे हम काम करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि रिएक्शन के लिए आप नॉर्मल 2-3 की लगाओ और वैसा बन जाता है। यहाँ पे देखो कि सारे करेक्टर है और ये कहाँ पे खड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनिमेशन में जो दिखता है वही बिकता है। यहाँ पे इतना खड़ा किया, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बीजी लाना होता है, तो बीजी को मैं यहीं से कॉपी करता हूँ। तो बीजी को मैंने यहाँ से कॉपी किया। हमेशा मैंने आपको ना एक पूरा यूट्यूबर पूरा एक यूट्यूब में जो क्रिएटर होते हैं ना, किस तरह स्टोरी क्रिएट करते हैं वो लोग, वो सिखाता हूँ मैं। इधर उधर की चीज़ें नहीं सिखाता हूँ। अगर आपको एनिमेशन में एडोब में मतलब सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ सीखना, तो मैं डेली आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता हूँ, हर एक घंटे के बाद नया चीज़ सिखा सकता हूँ। लेकिन गाइस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझ रहे होंगे, आपको एनिमेटर बनना है, जो बनना है उस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ऐसा इधर उधर की सीखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने क्या करना है, अपना जो पूरा का पूरा ये करेक्टर है इनको कॉपी करना है, सारे करेक्टर का वो है, सारे रिएक्शन है। तो मैंने सबको एक साथ कॉपी कर दिया। एक साथ जब कॉपी करोगे ना काफ़ी हैवी रहता है ये सब, आपको रिएक्शन करना। देखो मैं यहाँ पे क्या सिखा रहा हूँ कि स्टोरी को एक सीन को क्रिएट कैसे करते हैं, हर बार नया लाता हूँ, क्योंकि आपको पता है कई बार क्या रहता है, कई बार क्या रहता है। अगर आप स्टोरी पे काम करते हो एक रंग का सिचुएशन नहीं रहता, बहुत तरह का सिचुएशन होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया और सबको सेट कर दिया। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट इनको अलग कर देता हूँ, अलग अलग लेयर पे इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इनको अलग अलग लेयर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थोड़ा सा नीचे लाता हूँ इसको, यहाँ पे रखता हूँ। तो मैंने इनको सबको अलग अलग लेयर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे जो ये करेक्टर है यहाँ पे ये बात करता है, और यहाँ पे यही करेक्टर है, ये वाला करेक्टर, कुछ भी नया नहीं किया हूँ गाइस। यहाँ पे देखोगे सारा, इसको मैं 1-1 करके रखता हूँ क्योंकि आगे से स्टार्ट हुआ है। सब ये रिएक्शन है, सारे के सारे रिएक्शन है गाइस। इसके अंदर जाओगे तो एक दो बस यहाँ पे आगे पीछे, ये आगे पीछे यहाँ पे मूव कर रहा है, थोड़ा सा मूव कर रहा है खाली इतना। तो इतना करने के लिए कोई बड़ा कोई मतलब, यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा जो एनिमेशन है ना बच्चा भी कर सकता है, लेकिन आपको टेक्निक पता होना चाहिए। स्टोरी क्रिएट करने का मतलब ये नहीं करेक्टर एनिमेशन आ गया, आपको स्टोरी क्रिएट करना आ गया। हर बार आप फंसोगे, हर बार आप कुछ ना कुछ अटकोगे। लाइव स्ट्रीम में आओगे तो लाइव स्ट्रीम में और भी अच्छा बेहतर बताऊंगा। लाइव स्ट्रीम के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी, करना नहीं करना, वरना ऐसे ऐसे इंजॉय कीजिए और ऐसे सीखते रहिए। और बाकी जो रहता है मैं हमेशा वीडियो डालता रहूँगा इस तरह के। तो इस तरह देखो यहाँ पे ये इस तरह काम करने लगे, यहाँ से सुनने ये बात कर रहा है और ये सुन रहा है। तो अभी देखो मैं इतना रखता हूँ, आपको समझ आ चुका। बीच में आप ऐसा शॉट भी ला सकते हैं बैक साइड से दिखाने के लिए, ताकि और अच्छा लगे सीन। अब मैं एक बार अगर यहाँ पे ये उसको ऑन करूंगा तो कैसा लगेगा, यहाँ पे यहाँ से देखो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इसने कल रात का सपना देखा होगा, ठीक है। अब देखो ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, तो ये मूव होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चलाकी से मैं यहाँ पे इसको इतना कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कर सकता है इसको 33 से। देखो मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा, 33 से कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पहले इसको हिलते हुए दिखाना है। तो 33 से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो छोटी छोटी चीजें होती है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। कल रात का सपना देखा होगा ये बात कर रहा है। अगर ये मूव कर रहे हैं तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से
यहाँ आता हूँ मैं, इसको खाली थोड़ा सा मूव करता हूँ, इसको यहाँ से थोड़ा सा मूव करता हूँ, अदरवाइज इसको सुनने देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको वन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये वाले करेक्टर को वन से स्टार्ट करता हूँ ताकि थोड़ा सुनते रहे। यहाँ से मैंने कल रात का सपना देखा होगा, और ये अगर काफी ज्यादा जा रहा है तो इसको भी यहाँ से मैं इतना सा स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे 27 से। तो इस तरह आपको मैनेज करना होता है इस चीजों को, ऐसा नहीं कि बना के छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा भी देखना पड़ेगा कौन सा ज्यादा हिल रहा है। तो ये यहाँ पे करेक्टर हिल रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं इस करेक्टर को यहाँ पे सेट कर दूंगा ऐसा। ये करेक्टर को नीचे मत रखना, हमेशा सेंटर में रखना ऐसा। तो इस तरह काम कर सकते हो आप, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही है। और इसके बाद गाइज आप यहाँ पे ट्विन मार सकते हो, अगर ट्विन देना है आपको तो मैं यहाँ पे आया, इसको ट्विन दे रहा हूँ, क्लासिक ट्विन दे देता हूँ। यहाँ से क्लासिक ट्विन को ऑन किया, और क्लासिक ट्विन को ऑन करने के बाद यहाँ पे आया, इसको ऑन किया, यहाँ पे इस पे काले काले पे क्लिक करोगे ना, ब्लैक ब्लैक पे, तो ब्लैक ब्लैक पे ऐसे क्लिक करोगे तो ये आएगा। तो इस तरह ऊपर सेट कीजिए, इससे क्या होता है कैमरा स्लो फास्ट चलता है। तो यहाँ पे किया 105 कर दिया इसको, 105 और कर दिया, और यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद इसको ऐसा सेट कर दिया यहाँ पे, तो ये ऐसा सामने आता है। जब भी आप बड़ा करते हो ना कैमरा उस साइड भाग जाता है, तो इसको आप बिल्कुल सेंटर पे लाना है ऐसा। तो सॉरी थोड़ा नीचे करता हूँ, तो इस तरह कर दिया, और यहाँ पे पीछे सेलेक्ट किया और थोड़ा सा इसको पीछे की ओर मूव कर दिया। तो अभी क्या होगा, इस तरह आएगा कैमरा, देखो कितना प्यारा कैमरा आ गया पीछे सामने, ठीक है। तो गाइज मुझे उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला। अरे अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इसने कल रात का सपना देखा होगा। तो गाइज मुझे उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो सीखने को मिला होगा। बस हमेशा कहूंगा कि अगर आपको यूट्यूब में क्रिएट करना स्टोरी, तो आपको सीन करेक्टर एनिमेशन ही नहीं कंपाइलिंग भी सीखना होगा। कंपाइलिंग इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ना एक ही स्टोरी में फंस जाओगे। करेक्टर एनिमेशन तो कर लोगे लेकिन आप कंपाइलिंग नहीं कर पाओगे। कंपाइलिंग का मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे मैंने ये करेक्टर को यहाँ पे यूज किया, इसके बाद देखो इसका बैक भी यूज किया यहाँ पे, तो कैसे किया, तो आप ऐसा यूज कर सकते हो। आपको पूरा पता लग चुका है कि मुझे रिएक्शन बनाना है, एक्शन बनाना है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें मुझे अगर कोई आपको कोई यूट्यूब बताता है तो मुझे कोई मतलब ज्यादा वो नहीं होता है कि मतलब कि आप कहीं और जाके सीख रहे हो या फिर आप मेरे चैनल पे ज्यादा वॉचिंग टाइम नहीं ला रहे हो, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप एनिमेटर बनो